उसके जो भी फिलोसोफर्स आइडियाज थे, जीन जैक रोसे के, जॉन लॉके के, मॉन्टेस्क्यू के, ये आइडियाज सैलोन्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह क्या होने लग गए थे, पब्लिश होने लग गए थे और डिस्कस होने लग गए थे. और क्योंकि इनके सारे आइडियाज पब्लिश होकर डिस्कस होने लग गए थे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई थी कि हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना, वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और राजा को इतना अनलिमिटेड पावर देना ठीक नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिससैटिस्फैक्शन ब्रीड होने लग गया. ठीक है ना, एट दिस पॉइंट तुम्हारा फर्स्ट यूनिट किसका खत्म होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट यूनिट क्या होता है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट्स विद की एस्टेट जर्नल्स में 1789 में क्या हुआ था. तो हम लोग कह रहे हैं 5 मई 1789 को तीनों एस्टेट्स की मीटिंग बुलाई गई थी. ठीक है ना, कहाँ पर, एस्टेट जर्नल में. क्यों बुलाई गई थी, क्योंकि किंग लुई 16 ने प्लान किया था कि हम लोग टैक्सेस और ज्यादा बढ़ाएंगे. किंग लुई 16 ने क्या प्लान किया था कि हम लोग टैक्सेस और ज्यादा इंक्रीज करेंगे. ठीक है, इस मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट से कितने लोग आए थे, इस मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आए थे, सेकेंड एस्टेट से भी कितने आए थे, 300 लोग आए थे, और थर्ड एस्टेट से कितने लोग आए थे, 600 लोग आए थे. लेकिन ये जो 600 लोग आए थे ये अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर आए थे. किन चीजों को लेकर, अपनी ग्रीवियंसेस और डिमांड्स को लेकर कि हम लोग राजा के रूल से क्यों दुखी हैं, क्यों डिससैटिस्फाइड हैं. ठीक है ना, अभी तक वोटिंग इन एस्टेट जर्नल्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, वन पर वन एस्टेट वन वोट, यानी कि फर्स्ट एस्टेट के पास कितने वोट होते थे, वन, सेकेंड एस्टेट के पास भी कितने वोट होते थे, वन, और थर्ड एस्टेट के पास भी कितना वोट होता था, वन. अब क्योंकि जब टैक्स बढ़ाने की बारी आई तो फर्स्ट एस्टेट को टैक्स बढ़ना ही नहीं था, तो ऐसे में फर्स्ट एस्टेट ने बोला भले बढ़ा दो, सेकेंड एस्टेट वालों को भी टैक्स नहीं भरना था तो उन्होंने भी क्या बोला, टैक्स भले बढ़ा दो. टैक्स का सोल बेरर कौन था, थर्ड एस्टेट. थर्ड एस्टेट ने बोला ऐसे तो हमेशा 3:1 का रेशो रहेगा, राजा को जब भी टैक्स बढ़ाने होंगे वो हमेशा से बढ़ा देगा क्योंकि थर्ड एस्टेट का तो वोट ही एक होता है. और ऐसे में इस बार उन्होंने डिमांड किया कि इस बार वोटिंग एस्टेट वाइज नहीं होनी चाहिए, अब इस बार कैसी होनी चाहिए, वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, वन मेंबर वन वोट होना चाहिए. किंग ने इनका प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. जब किंग ने इनका प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग थे वो अंडर प्रोटेस्ट किया हुए वहां से चले गए, मीटिंग ही छोड़ दी. ये सब कब मिले, 20 जून को मिले. कहां मिले, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस बोर्ड, कहां पर, ग्राउंड ऑफ वर्सल पे. और इन्होंने क्या करा, खुद ही को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और बोला कि हम जब यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग फ्रांस की एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले. ठीक है, और राजा के पावर को लिमिटेड कर दे, यानी कि अभी जो अनलिमिटेड पावर है राजा के पास इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. ठीक है, इन लोगों को हेल्प दो लोगों से मिली थी, एक कौन था, मिराग्यू, और एक कौन था, एबिसिस. मिराग्यू क्या था, अपने आप में एक नोबल था. ठीक है, लेकिन उसको ये सारी फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या करनी थी, खत्म करनी थी. ही वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू ऑल द फ्यूडल प्रिविलेजेस. ठीक है ना, और ये अपने आप में एक जर्नल भी लेकर आया था और ये पावरफुल स्पीचेस भी देता था थर्ड एस्टेट के फेवर में. ठीक है ना, एबिसिस ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, इसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट. इसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट. इज इट क्लियर टिल हियर. Next, what led to outbreak of the revolution? ठीक है, तो अब हमने देखा कि ऊपर क्या हुआ, ये सारे लोग टेनिस कोर्ट पे चले गए, खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और बोला हम यहाँ से जब तक नहीं हिलेंगे तब तक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते. ठीक है, तो जहां पर एक तरफ नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, बाकी पूरा फ्रांस क्या था, टर्मोइल में था, टेंशन में था. ठीक है ना, क्यों टेंशन में था, क्योंकि बहुत ज्यादा विंटर आ गई थी, हार्वेस्ट मतलब फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी, ब्रेड बहुत महंगी हो गई थी
और जितने भी बेकर्स थे वो ब्रेड को होल्ड कर रहे थे, HOARDED, होल्डेड सप्लाईज दिख रहा है तुम लोग को? होल्डेड सप्लाईज मतलब क्या होता है कि आप ब्रेड क्या करते हो, आपके पास होती भी है तो भी आप उसको बेचते नहीं हो, आप क्या करते हो उसको संभाल कर रखते हो. क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जब प्राइस और महंगे होंगे तब आप इसको सेल करोगे. इसलिए जो विमेन थी उनको बहुत गुस्सा आया, वो शॉप्स के अंदर जबरदस्ती क्या हो गई, घुस गई और सारे सप्लाईज क्या कर लिए, लूट लिए, ठीक है ना. वही विलेज में, ये तो सारी कहानी किसकी हुई, शहरों की. विलेज में रूमर स्प्रेड हुए, कंट्री साइड में रूमर स्प्रेड हुए कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ठीक है ना. यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कर रहे हैं, बंदे भेजे हैं, ठीक है ना. तो जो बड़े बड़े मैनर आर वेरी बिग हाउसेस, ठीक है ना, तो ये बड़े बड़े घरों में जो लोग रहते हैं, जो उनके ओनर होते हैं, ठीक है ना, ये जनरली वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बहुत सारे बंदों को क्या कर दिया है, भेज दिया है किस चीज के लिए, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है ना. तो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया, तो लोग और ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए. क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा. तो जिसके हाथ में जो हथियार था, होज आ रहे थे, पिचफोर्क्स आ रहे थे, सब आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के घर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया. वहां उन्होंने ग्रेन्स लूट लिए, जितने भी मेनोरियल ड्यूज थे, यानी कि जितना भी पैसा उनको बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को देना था, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनके सभी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे क्या कर दिए, बर्न कर दिए, ठीक है. ये सारी सिचुएशंस को देख के नोबल्स को लगा कि अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, अगर हम लोग यहाँ रहे तो ये लोग हमें भी मार देंगे, इससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, और इसलिए नोबल्स अपने घर से भाग गए. ऐसे में किंग लुईस 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको लगा यार जब इतनी इंस्टेबिलिटी फैल गई, चीजें अब इस लेवल पे वायलेंट हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो किंग लुईस 16 ने क्या करा, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना. यानी कि बोला ठीक है, जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वो मुझे ठीक लग रही, और अब से टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है ना. फ्यूडल प्रोब्लिगेशन सारी की सारी हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना. क्लर्जी को जो बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस मिली थी वो सारा क्या करना पड़ेगा, इनको वापस देनी पड़ेगी, अब इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी. तिथेस जो टैक्स था वो अपॉलिश किया गया. चर्च के पास जितनी भी लैंड थी वो सारी चर्च से क्या कर दी गई, ले ली गई, ठीक है. इस तरीके से फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन मनार्की बन गई, ठीक है ना. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना कब तक खत्म किया था, 1791. पावर तीन लोगों में डिवाइड हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है ना. लेजिस्लेचर में जो था, लेजिस्लेचर असेंबली जो कंस्टिट्यूट थी वो नेशनल असेंबली, और वो कैसे इलेक्ट होती थी, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी. कैसे इलेक्ट होती थी, इनडायरेक्टली, ठीक है ना. एक्टिव सिटीजन को राइट टू वोट मिला. कौन थे ये एक्टिव सिटीजन, हम लोग बोलते हैं एक्टिव सिटीजन पर मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु हैड पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ लेबर वेजेस. तो जिन्होंने टैक्स भरे थे, जो प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनको क्या मिला, राइट टू वोट मिला. जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे उनको राइट टू वोट नहीं मिला. लास्ट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इन्होंने डिक्लेयर करे कि हम लोग हमारे फ्रांस के सिटीजन को ये सारे राइट्स देंगे. कौन कौन से, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ. बोलो कोई परेशानी यहाँ तक किसी को भी. यहाँ पर तुम्हारा सेकेंड यूनिट भी क्या होता है, खत्म होता है बेटा. अब आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी कि कल की क्लास में, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6